हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की रेसिपी बहुत खास है क्योंकि ये कुछ मिनटों में तैयार हो जाएगी। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। मैंने इससे पहले बहुत सारी करीज़ की एंड बहुत सारे नाश्ता की रेसिपी डाली हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ मीठी डिश लेकर आऊँ। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से मारी बिस्किट से पेड़े तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस है ये। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, आप इसे पूरा देखें और आप इसे एक बार ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे एक पैकेट मारी बिस्किट, जो 10 रुपये वाली पैकेट आती है, आप वो ले आएँ। उसे हमें क्रश करना है, हमें बिल्कुल उसका पाउडर तैयार करना है। तो सबसे पहले एक जार लें और उसमें इस तरीके से सारे बिस्किट्स तोड़कर डाल दें। मैंने सारे बिस्किट्स डाल लिए हैं जार में। अब हमें इसे ग्राइंड करना है और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार करना है। आप देख सकते हो इसमें कुछ बिस्किट्स ऐसे हैं जो कि अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाए हैं, तो मैं इसे छन्नी की हेल्प से छान लूँगी। इसे हम सबसे पहले छन्नी की हेल्प से छान लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा बिस्किट होगा उसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ये रहे हमारे एक्स्ट्रा बिस्किट्स, इसे अच्छे से फिर से ग्राइंड कर लें। यहाँ पर मैंने सारे बिस्किट्स ग्राइंड कर लिए हैं और इसका बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। हमें बिल्कुल आटे की तरह इसे रेडी करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ये आटे की तरह रेडी है। अब हमें इसमें मिलाना है 25 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में मैंने इलायची पीस कर डाली हुई है, 2 इलायची आप बिल्कुल पीस लें उसमें, ताकि उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर शुगर पाउडर चाहिए होगी। शुगर पाउडर आप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी को मिक्सर में डालकर उसका फाइन पाउडर तैयार कर लें, उसके बाद मिक्स करें। क्योंकि अगर आप खड़ी वाली चीनी इस्तेमाल करेंगे या फिर छोटी वाली चीनी, तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हमने पाउडर डाल दिया है। यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर लिया है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर दें। बिस्किट में ऑलरेडी थोड़ी मिठास होती है, तो हमें बस थोड़ा सा ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच दूध लिया है। इसे हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे से मिल नहीं पाएगा। अगर आप इसमें एक बार ही दूध डाल देते हैं और इसे मिलाते हैं, तो वो ढंग से डो तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके और मिलाते जाएँ, और इसका हमें आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी से घर पे घी तैयार कर सकते हैं। दूध की मलाई से बहुत ही सिंपली वो तैयार हो जाएगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप देख लें। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसी तरीके से बिल्कुल आटा तैयार कर लें गूँथ कर। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध और डाला और अब इसे गूँथ कर तैयार कर लें। आटा बिल्कुल रेडी है। मैं 1/2 चम्मच घी और ले रही हूँ इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। इस तरीके से मिलाकर इसे गूँथ लें। आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसके छोटे छोटे पेड़े काटने हैं, बिल्कुल इतने बड़े बड़े, और इसे रोल करें और दोनों हाथों से हल्का सा प्रेस करें। हमारे पेड़े बनकर रेडी हो गए। इसी तरीके से बाकी पेड़े भी तैयार कर लें। बहुत ही सिंपली आप इसे बना सकते हैं। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर आप बहुत ही टेस्टी मिठाई तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से रोल करें और दोनों हाथों से प्रेस करें। ये लग रहा है ना बिल्कुल पेड़े की तरह। सारे पेड़े मैं तैयार कर लेती हूँ। यह मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर दें। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम से इसे डेकोरेट किया है। आप अपने मनपसंद की जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उससे आप इसे अच्छे से डेकोरेट कर लें। इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है और ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं पेड़े की तरह, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्वीट रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलूंगी। बाय फॉर नाउ।